गाइस महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं मोनिका जायसवाल, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज यहाँ के मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत ही झमझमाती हुई बारिश हो रही है। ये देखिए ये इसको हमेशा शर्ट और गंजी उतार के रहना चाहता है। तो बाहर बारिश हो रही है, आइए आप हमको दिखाते हैं। सो गाइस देखिए बाहर बारिश हो रही है और बहुत ही मतलब आधा घंटा से कंटिन्यू ये बारिश ऐसे ही हो रही है पूरा झमझमाते हुए। क्या हुआ यार? चूहा है तो चूहा चला जाएगा ना। आप देख सकते हो कंटिन्यू आधे घंटे से बारिश हो रही है। मौसम काफ़ी अच्छा है गाइस, और मुझे आज जाना भी है, आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। मुझे 6 बजे तक हॉस्पिटल निकलना है, 6 बजे जाऊंगी, 6:30 बजे डॉक्टर बैठेंगे, आधे घंटे पहुंच जाऊंगी। और कल जाने का बात था तो, लेकिन कल तक आज सुबह तक का दवा था तो आज सुबह तक मैंने खा लिया। 5 दिन बुलाया था तो आज सुबह तक खा लिया, आज 5वां दिन है तो आज जाऊंगी। 5 दिन बाद तो 6वें दिन जाएंगे ना, तो शाम को जाऊंगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले लिया है मैंने, नंबर लगाया हुआ दिया है फ़ोन करके, तो शाम को जाऊंगी दिखाने के लिए। अभी बैठे साथ कुछ चटपटा खाने का मन करा था तो थोड़ा सा नमकीन लिया है, नमकीन खा रही हूँ। सॉरी गाइस, बेकार आ रही है, सबको ही आता है, इसमें सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है। तो चलिए फटाफट से थोड़ा सा आराम आराम करती हूँ, घर ही बज रहे हैं। आज शाम को वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, 4:10 बाकी है, चलिए 1 घंटा आराम करूँगी, तब तक मैम आ जाएंगी, उसके बाद तैयार होकर जाना है। चलिए मैं आपको मिलती हूँ भी तैयार होकर। तो गाइस हम तैयार हो गए हैं और दुकान में आकर बैठे हैं, अभी निकलेंगे। वो बदमाशी कर रही है, देखिए लावण्या कैसी रहे, क्या कर रही है? गोपी चाचू कहाँ पहुँचे? मुझे क्या पता कहाँ पहुँचे, उनको 6:15 तक बोला गया है। हम निकल चुके हैं और ऑटो बैठ चुके हैं, घर से अभी निकले हैं। और यहाँ मेरी बेटी खा रही है फिंगर। क्या खा रही हो? फिंगर खा रही है। क्या खा रही हो? फिंगर। ये कपड़ा क्यों भाग रहा है, कपड़ा ऊपर करो। हाँ तो मेरी बेटी रानी खा रही है फिंगर। हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, चल चलिए चलते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाके मिलती हूँ। और मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश भी हो रही है बाहर, देखिए आपको दिख रहा होगा, झिमिट बारिश हो रही है। अब हम लोग निकल रहे हैं। नहीं, हम पर्स नहीं लाए, फाइनली गाइस टाका कट गया है। बैठी हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए, दिखा कर फिर चलेंगे। लगा ना चोट, तो बैठी हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। क्या नहीं जाएंगे? सो गाइस हमने दिखा लिया, हम घर जा रहे हैं, टाका कट गया, सब कुछ हो गया। पापा नीचे गए दवा लेने, जाओ गिर जाएगी। तो गाइस ये हॉस्पिटल का नाम है हमारा, संकट मोचन हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल के बाहर का सीन है। हमने बाहर भुट्टा लिया था और गाड़ी में खाते खाते आ रही थी, और बारिश के मौसम में भुट्टा बहुत अच्छा लगता है इस गरम गरम। इतना खा लिया था गाड़ी में, खाते खाते आ रही थी, इतना देर थोड़ा ना खत्म हो जाएगा, खत्म होने में टाइम भी लगता है। और टाका काटा है, डॉक्टर से पूछे क्या खा सकते नहीं खा सकते, डॉक्टर साहब बोले सब कुछ खा सकते, तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाना है, हल्का हमें कभी कदार बीच में 2-3 दिन बाद थोड़ा थोड़ा करके खाना है, और बाकी सब ठीक है। तुम दो दो ठो क्या लेके आए हो? ये दोनों में क्या है, ग्रीन चिल्ली और एक ठो पाउच था,
दोनों तो एक लेना चाहिए ना, तुमको दो कौन लेने बोला है? छोटा। उससे क्या मतलब है? मेरी बिटिया ही भुट्टा खा रही है। क्या खा रही है सोना? सॉस है बेटा, भैया सॉस लेके आया, सॉस खत्म हो गया था तो सॉस वगैरह मंगाई हूँ। अभी आलू चिल्ली बनाएंगे, पोटैटो चिल्ली, चिल्ली पोटैटो। चलिए तो खाती हूँ, फिर कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेती हूँ मैं। हे गाइस, तो मेरे बेटे को आज मेरे हाथ का चिली पोटैटो खाने का मन कर रहा था, तो मैं चिली पोटैटो ऐसा भी बनाती हूँ, मैं जैसे पनीर चिली वगैरह बनता है वैसे बनाती हूँ। तो मैं बना ली आलू, को मैंने फ्राई करके निकाल लिया, देखो इतने बड़े बड़े आलू मैंने काटे हैं, फ्राई करके निकाल लिया है। और अदरक लहसुन और मिर्ची मैंने डालकर लाल कर दी, और इनको प्याज शिमला मिर्चा काटा है, और यहाँ प्याज उसे भी डाल दूँगी। आप लोग बोल रहे हो मेरी तबियत खराब है, ऑपरेशन में बना लो, क्या वो करें, थोड़ा सा बना लेकर बच्चों को खाना है, और चटपटा हम लोग भी खा लेंगे, तो इसीलिए बना भी गए। इसमें हाथ प्याज उन्होंने डाल के खड़ा होना, बस चौका लगा के घबराट जाना है, धीमी आँच में छोड़ देना, प्याज और शिमला मिर्च उबलने देना है, गल जाएगा तो फिर ग्रेवी मेरी तैयार हो जाएगी, उसमें आलू डाल के कैसे पका लेंगे। वैसे आलू मेरी आधा हो चुका है, मेरा आलू फ्राई करने में धीमे आँच पर फ्राई करके मैंने आलू आधा आलू पका लिया है, आधा ज़्यादा 60% आलू हो चुका है मेरा, और बाकी का 40% जो है उसमें हो जाएगा ग्रेवी में, तो अब मैं इसे ढक लूँगी, डाल दूँगी। चलिए ऐसे ही मैं इसे पकाती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ। तो गाइस देखिए, मेरा आलू चिली बन चुका है, मैंने थोड़ा ग्रेवी रखा है अभी, क्योंकि ये ठंडा होगा तो ग्रेवी सारा सोख लेगा, आप देख सकते हैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं है। और ये रहा मेरा, मैंने ऐसा बनाती हूँ, मैं रोटी से खाना रहता है तो इस तरह से बनाती हूँ, गोल गोल आलू काट के बनाती हूँ, आप देख सकते हो बड़ी 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 गोल गोल आलू है, और ये ठंडा होगा तो एकदम सूख जाएगा। मैंने थोड़ा सा ग्रेवी छोड़ा है, कॉर्नफ्लोर डाला है मैंने, बिना कॉर्नफ्लोर का तो हो नहीं सकता है, इसीलिए तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं। क्या है पागल, क्या पागल बंदी करे, तभी इसे छोड़ देते हैं ऐसे ठंडा होने के लिए, ठंडा हो जाएगा तो ऐसे ही अब्जॉर्ब मतलब फिर सूख जाएगा। गाइस देखिए, ये मेरा खाना तैयार है, आप देख सकते हो, ये चिल्ली आलू आइए, मिठाई है एक बालूशाही, और रोटी है, जाओ तब। तो चलिए खाना वाना खाते हैं, भूख बहुत जोर से लगी है। गाइस चलिए अब खाना वाना खाते हैं, हम रात हो गया 10:30 बज रहा है, घड़ी में 10:30 बज रही है, अब चलिए खाना वाना खा के दवा खा के सोना है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं आज यहीं एंड करती हूँ, मैं मार दूँगी तुम्हें, ये लोग बहुत परेशान करते हैं हमको। तो इस ब्लॉग को मैं आज यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ 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 ज़रूर कर दे। चलिए मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर गाइस, बाय बाय।